बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हो रहे मतदान आज शाम को खत्म हो जाएगा। इसके बाद सभी की निगाहें 10 नवंबर पर टिकी होंगी। उसी दिन यह पता चलेगा कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम बनेंगे या फिर लालू के लाल बिहार पर राज करेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल के कारण इस बार विधानसभा सीटों के परिणाम आने में देर हो सकती है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार मतगणना हॉल के अंदर अधिकतम 7 मतगणना टेबल ही लगाने की अनुमति होगी। इस प्रकार हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 से 4 हॉल की जरूरत होगी। आयोग के अनुसार मतगणना टेबल पर कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के कैरिंग केस को लाने से पहले सैनिटाइज किया जाएगा। कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के डी सीलिंग और चुनाव परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक टेबल पर एक कर्मी प्रतिनियुक्त होंगे। कोरोना काल में हो रहे चुनाव को लेकर बूथों की संख्या में 45% की बढ़ोतरी के कारण सभी बूथों के वोटों की गिनती में थोड़ा अधिक समय लगेगा। आपको बता दें कि कोरोना काल में हो रहे चुनाव को लेकर बूथों की संख्या में 45% की बढ़ोतरी के कारण सभी बूथों के वोटों की गिनती में थोड़ा अधिक समय लगेगा। बताया जा रहा है कि आयोग ने सभी स्ट्रांग रूम की सख्त सुरक्षा की व्यवस्था की है। वहाँ CCTV कैमरे लगाए गए हैं, कोई भी उम्मीदवार या दल के प्रतिनिधि से देख सकते हैं। चुनाव परिणाम बड़े पर्दे पर प्रदर्शित किया जाएगा। आयोग ने निर्देश दिया है कि बड़े पैमाने पर मतगणना एजेंट को जगह उपलब्ध कराने में कठिनाई हो तो ऐसी स्थिति में कंट्रोल यूनिट के माध्यम से प्रदर्शित होने वाले चुनाव परिणामों को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाएगी ताकि मतगणना एजेंट को असुविधा नहीं हो।